दोस्तों, कोरोना वायरस ने एक ही झटके में पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाले देश, अत्याधुनिक हथियारों के दम पर दुनिया जीतने का दावा करने वाले तानाशाह एक कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। मंगल को मापने वाले वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर दिन रात मंथन कर रहे हैं। WHO को समझ नहीं आ रहा आखिर ये बला क्या है। इस वायरस से हर रोज बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। शरीर को मजबूत करने के लिए मास्क खाने की सलाह देने वाले खुद आइसोलेट में कैद हैं। भगवान ने इंसान को पृथ्वी पर सबसे समझदार और ताकतवर बनाया ताकि हम एक बेहतर तरीके से पृथ्वी के साथ तालमेल बनाए हुए इस पर रहने वाले सब जीव जंतुओं की रक्षा कर सकें और अपने जीवन के सबसे अहम कार्य को पूरा कर सकें। लेकिन इंसान के अंदर बढ़ रही राक्षसी प्रवृत्ति ने उसे हैवान बना दिया है। खासकर चाइना जैसे देश में जिसमें कोरोना ने सबसे पहले दस्तक दी, उसी चाइना में लोगों ने ऐसे ऐसे जीव जंतुओं को खाया जिसको बचाना मुश्किल हो रहा है। पूरा का पूरा शहर लॉकडाउन है। वुहान शहर के लोगों की चीख पूरे विश्व में गूंज रही है। धीरे धीरे कोरोना की काली परछाई पूरे विश्व पर छा चुकी है। अकेले भारत में 200 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मैं नींद नहीं आती थी, कभी जो है रात में सोते थे तो बच्ची को केयर करते कि इसको कभी प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ सही तो है। ईरान जैसे देश ने तो केवल नौजवानों को बचाने का आह्वान करते हुए बुजुर्ग नागरिकों को उनके हालात पर छोड़ दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। Hospital in this country to activate its emergency preparedness plan. WHO परेशान है कि कैसे इस बीमारी पर काबू पाया जाए, लेकिन बीमारी को दावत देने का काम भी तो इसी इंसानी प्रजाति ने किया है जिसने प्रकृति और भगवान के नियमों को चुनौती दी, जिसका खामियाजा पूरी मनुष्य जाति भुगत रही है। हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना के केसेज ज्यादातर उन लोगों के संपर्क में आने से हुए जो मांस खाते हैं। प्रकृति और भगवान की नियमों के खिलाफ जाने की सजा आज पूरी मनुष्य जाति को भुगतनी पड़ रही है। मुसलमान मांस खाने के लिए कुरान का हवाला देते हैं तो क्रिश्चियन बाइबल का। अब तो हिंदुत्व का झंडा थामे लोग भी इस खान पान के आदि हो गए। कुछ चंद लोगों के स्वाद के चक्कर में पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। शास्त्रों में साफ मना है कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्यों अपने स्वाद के लिए जानवर खा रहे हैं आप लोग? क्यों इस दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं आप लोग? इसलिए आज ही मांस खाना छोड़िए। पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान के नियमों में रहते हुए इस पृथ्वी पर मानव जाति के साथ साथ जीव को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। धन्यवाद दोस्तों।